हेलो गाइस, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। मैं आपको आज बताऊंगा एमपीएल में किस प्रकार टीम बनाया जाता है। ये नई अपडेट आई है, कल ही आई है। आपको इस अपडेट नहीं हुआ हो तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, उससे आप अपडेट कर सकते हैं। तो मैं जल्दी जल्दी बिना टाइम बर्बाद किए बता देता हूँ। देखिए सुपर टीम यहाँ पर दिया अपडेट, मैंने क्लिक किया। उसके बाद देखिए कोलकाता माली, इसमें से जैसे देखें जो मैच लाइव होगा यहाँ पे दिखाएगा। रिजल्ट देख लीजिए, कल हुआ था इसमें जहाँ 4 कॉन्टेस्ट में ज्वाइंट हुए थे। यहाँ मैच दे दी मारी, आज मैच है ना कोलकाता और हैदराबाद में। देखिए मैंने एक टीम बनाई है, मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए मैंने विकेट कीपर पसंद है मुझको जयेश कार्तिक, वहाँ पे कई विकेट कीपर दिए होंगे, आप जो मन करे तो चूज कर लीजिएगा। उसके बाद देखिए मैंने 3 बैट्समैन चुने हैं, आपको जो जो फेवरेट हो बैट्समैन उसको चुन सकते हैं आप। फिर उसके बाद देखिए मैंने 3 ऑलराउंडर लिए हैं, आपको जो ऑलराउंडर पसंद हो उसको ले सकते हैं। देखिए मैंने यहाँ पे 4 बॉलर्स लिए हैं, आपको जो बॉलर पसंद हो उसको ले सकते हैं। पर ये है दोनों टीम का लेना पड़ता है। देखिए जिस तरह मैंने लिया है, ये देखिए 3 दूसरे टीम के हैं, 4 ये एक दूसरे टीम के हैं। इसमें यही फायदा होता है, वही वाला बैट्समैन चुनिएगा जो सबसे ज्यादा रन बना सके। विकेट कीपर वही लीजिएगा जो सबसे ज्यादा विकेट ले सके, और बॉलर वही लीजिएगा जो सबसे ज्यादा विकेट ले सके, तभी आप इसमें लाखों कमा सकते हैं, उस तरह नहीं कमा पाएंगे। जैसे मैं एक बार दिखा देता हूँ किस तरह बनाना है। यहाँ पे देखिए 4 विकेट कीपर दिया है, तो आप कोई भी ले सकते हैं। यहाँ देखिए बैटमैन से दिया है, कोई भी बैटमैन जो आपको पसंद हो ले लीजिए। ऑलराउंडर दिया है, ऑलराउंडर भी कोई भी ले सकते हैं। और इसमें देखिए बॉलर से दिया है, जो आपको पसंद हो बॉलर भी ले सकते हैं। आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो प्लीज लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा, शेयर भी कर दीजिएगा। चलो ठीक है, टाटा, अगले वीडियो में नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे। अगले गुड बाय, तब तक गुड बाय।